कई सालों से डमटाल में राम गोपाल मंदिर की भूमि पर बनी दुकानों पर कुंडली जमाए बैठे दुकानदारों पर प्रशासन ने डंडा चलाया। एसडीएम नूरपुर आवेद हुसैन सादिक ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों पर ताला जड़कर उन्हें सील किया। गौरतलब है कि डमटाल का यह राम गोपाल मंदिर बहुत समृद्ध है और लगभग सारा डमटाल कस्बा इस मंदिर की जमीन पर ही बसा है, जिसमें चाहे दुकानें हो या फिर रिहायशी घर, सभी इस मंदिर की भूमि पर ही डेरा जमाए हुए हैं। किराए के नाम पर नाम मात्र किराया ही इन दुकानों से लिया जाता है, लेकिन दुकानदार इसे भी देने से गुरेज करते हैं, जिस कारण कई सालों से इन दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, जिस कारण आज एसडीएम ने इन दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें आज सील कर दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसडीएम नूरपुर आवेद हुसैन सादिक ने कहा कि ये विडंबना है कि ये सभी दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जिसमें लाखों का कारोबार यहाँ के दुकानदार करते हैं, लेकिन वो मंदिर को देने वाला किराया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों का किराया अभी देने को है वो शीघ्र उसका भुगतान करे, नहीं तो प्रशासन किसी भी कार्यवाही को करने से पीछे नहीं हटेगा। काफी सालों से वो किराया नहीं दे रहे हैं। प्राइम लैंड पर एनएच पर उनकी दुकानें हैं, पर वो किराया नहीं देते हैं। सालों से उनके नोटिसेस 20-20 नोटिसेस दुकानदारों को हमने भेजे हैं, फिर भी वो किराया नहीं दे रहे थे। तो आप आखिरी नोटिस हमने भेजा था कि एक हफ्ते के अंदर किराया जमा करो, अदरवाइज हम जो आपकी दुकानें सील कर देंगे। तो वही हमने किया। जो जिन 5-6 दुकानें जिन्होंने नहीं किराया दिया था, वो जो बाकी भी बची हैं उनको भी हम सील करेंगे जो किराया नहीं दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बाकियों को भी वार्न कर रहा हूँ कि जो किराया नहीं दे रहे हैं वो जो है अपना किराया जमा करे शीघ्र से शीघ्र, वरना उनकी दुकानें भी सील होंगी। और ऐसी कोई ये गैर कानूनी हरकत ना करे, मंदिर लैंड और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई एनक्रोचमेंट ना करे।